लोगों ने 200 सब्सक्राइबर कंप्लीट कर चुके हैं, तो सरप्राइज तो अभी बहुत सारा बाकी है। जैसे ही मंडे होता है तभी जाके प्रॉब्लम क्रिएट होता है, क्योंकि संडे तो छुट्टी रहता है, और एक अच्छा संडे होने के बाद जैसे ही मंडे आता है उसमें प्रॉब्लम इसीलिए होता है क्योंकि उस दिन आप अच्छे से नींद मारते हो, नेक्स्ट डे जब आपको उठना होता है जल्दी जल्दी तब आप जल्दी उठ नहीं पाते हो, प्रॉब्लम यहीं पे हो जाता है। सो आज भी मेरे साथ वैसा ही हुआ, मैं कोशिश किया, कोशिश मतलब 100% मेरा दिया कि मैं हाँ उठ जाऊँगा, 7 बजे तक उठ जाऊँगा, अलार्म भी सेट किया, लेकिन बाद में मैं उठा कितना 8:30 बजे को जाके उठा, क्योंकि वो संडे का आदत जाके मंडे में भी लग जाता है, प्रॉब्लम हो जाता है, लेकिन वो ट्यूजडे से नहीं होता है, संडे और मंडे ये दोनों के बीच में ये प्रॉब्लम हो जाता है। सो वेलकम बैक टू माय चैनल, योर यूट्यूब चैनल बॉम बाइसेप्स। सुबह से अच्छा खासा वेदर था, धूप था, अभी जाके बारिश शुरू हो गया, अब क्या बोलेगा। मैं सोचा आज अच्छा खासा वेदर है, चलो अच्छा वीडियो बनाएंगे, क्या वेदर हो गया, बारिश पूरा नहीं। Taking shots at the enemy, I'm gonna make it to the top, leave a legacy. If I got something to say, you better let me speak. Turn it up a new degree, bitch, you ain't seen anything. I pop off with the new rock, electronic, blow the sonic roof up. I'm too honest when I take a few shots. They're too toxic, need to take a new song. And you cannot save me, cause I don't need saving. It's everything I've been chasing, एकदम वेदर पूरा। जिन लोगों को पता नहीं बता देता हूँ, ये जो मैं पी रहा हूँ ये सत्तू, सत्तू एक्चुअली बनता जो है छोला जो होता है, छोला मतलब क्या बोलेगा उसको, मैं इंग्लिश हिंदी वर्सन मेरे को पता नहीं, उसको बंगाली में छोला बोला जाता है, उसको पेस्ट करके उसका जो पाउडर बनता है उससे बनता है ये छातू। सो छातू मतलब सत्तू, एक्चुअली ये क्या होता है कि जब आप किस दिन डाइट कर रहे हो या तो आपका फास्टिंग चल रहा है, घर में कुछ पूजा वगैरह है तो आप फास्टिंग कर रहे हो, उस दिन आप पी सकते हो क्योंकि ये वेज में आता है। सो इसलिए मैं ये वाला पी रहा हूँ, और इसमें बहुत सारा प्रोटीन है, जो लोग जिम करते हो वो लोग भी पी सकते हो उसको, बहुत सारा प्रोटीन है और डाइट के लिए बहुत ही अच्छा, क्योंकि एक ग्लास मतलब इतना पी लोगे तो आपको 3 घंटा तो आपको भूख नहीं लगने वाला। एक्चुअली ये जैसा बारिश होता है ना, हल्का बारिश फिर धूप फिर बारिश फिर धूप, इसमें गर्मी बढ़ जाता है, बहुत गर्मी बढ़ जाता है। एक्चुअली जो हीट बाहर निकालना चाहता है वो हीट बाहर नहीं निकलता, और ज़्यादा हीट बढ़ जाता है, क्योंकि जब वो निकलना शुरू करता है तभी ऑलरेडी धूप फिर से पड़ना शुरू होता है, तो यहाँ पर का ह्यूमिडिटी और भी बढ़ जाता है, बाद में जाके तकलीफ हम लोगों को होता है। पहले मज़ा आता है कि बारिश, चलो बारिश हो रहा है, धूप निकल गया, आराम है, रिलैक्स है, लेकिन बाद में जाके इसका प्रॉब्लम पता चलेगा, अभी नहीं, अभी 2 घंटा बाद इसका पता चलेगा कि कितना गर्मी बढ़ जाएगा। बारिश से कुछ अच्छा हो ना हो, एक चीज़ बहुत ही अच्छा काम करता है, वो है मेरा जितना भी पेड़ पौधा बाहर लगा हुआ है उन लोगों को एटलीस्ट पानी मिल जाता है, अच्छा खासा पानी मिलता है, ग्रो करने भी अच्छा हेल्प होता है। ये वाला तो कितना बड़ा हो गया, ये वाला जो सेकेंड टाइम हुआ था, मतलब सेकेंड बार जो बीज डाला था उससे ये वाला निकला, और फर्स्ट वाला तो कितना बड़ा हो गया, देखो कितना मोटा और कितना बड़ा हो गया। एक टब जुगाड़ करना पड़ेगा मेरे को ऐसा वाला, तो उसको अलग से मैं डाल दूंगा, इसको एक अलग टब में, इसको एक अलग टब में डाल दूंगा, तो जाके दोनों अलग अलग रहेगा, तो थोड़ा सा बढ़ने भी इसको अच्छा होगा, और इसको बोनसाई करने में भी अच्छा रहेगा। बोनसाई एक्चुअली बोनसाई करने में बहुत ये है, मतलब बहुत सारा उसका प्रोसेस है बोनसाई करने में, लेकिन वो प्रोसेस सीख लूँगा अभी, भाई यूट्यूब है, यूट्यूब में सब कुछ प्रोसेस निकलता है, तो वहीं से ही मैं सीख लूँगा कैसे बोनसाई किया जाता है। मैंगो ट्री को मैंने बहुत लोगों को देखा है मैंगो ट्री को बोनसाई करते हुए, कोशिश करूँगा एक बार, अगर हो जाता है तो हो जाएगा, अच्छा लगेगा। एक्चुअली सुंदर दिखता है जो बैनियन ट्री होता है, बैनियन ट्री को जो लोग घर में बोनसाई करके रखता है वो घर के लिए वास्तुशास्त्र के हिसाब से बहुत ही अच्छा है। दूसरा बात, इसको रखना भी
थोड़ा सा तकलीफ है, लेकिन बहुत ही अच्छा लगता है और घर का जो ब्यूटी है वो बढ़ा देता है। एक्चुअली बॉन्साई करके अगर बैनियन किया फ्रेंड्स तो, लेकिन उसका प्रोसेस थोड़ा लॉन्ग है लेकिन अच्छा लगेगा बहुत। सो यहाँ पे एक पिंपल निकल आया है, ये पता नहीं कैसे निकला है, लेकिन ये जब तक मेरे को दिखाई देगा ना तब तक मेरे को इसको फोड़ने का मन करेगा, मेरे को एक्चुअली इसको फोड़ देना है पूरा। जब तक नहीं फोड़ूंगा तब तक मेरे को पूरा एकदम दिक्कत देगा, इसको फोड़ ही डालूंगा आज मैं। एक्चुअली पिंपल को फोड़ना नहीं चाहिए, फोड़ने से क्या होता है इसका जो मार्क रहता है ना एक डार्क मार्क यहाँ पे पड़ जाता है, लेकिन भाई छोरो भाई लड़का है, थोड़ा सा मार्क होने से भी कोई प्रॉब्लम नहीं, और शादी भी हो गया है, कोई देखने वाला नहीं है। सिर्फ मेरा आदत नहीं सबका आदत है, जब भी कोई पिंपल होता है थोड़ा सा खुजली करना, उसको फोड़ देना, ये सबका आदत है। कोई कोई करता है, कोई कोई दिखाता है, कोई कोई नहीं दिखाता है, ऐसा ही है। लेकिन मैं भाई सब कुछ दिखाता हूँ, ये बहुत तकलीफ होता है मेरे को, मैं जब तक इसको नहीं फोड़ूंगा ना तब तक मेरा ऐसा 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 करता रहूंगा। ये फोड़ जाएगा एक बार फूट देगा इसको, फिर ठीक है। ओ दे रहा है कि ये वाला क्या है, एक्चुअली ये क्या लगा के रखा है, एक्चुअली ये जो अंगूठी मैंने बनाया था ठीक है, सो इसमें क्या हुआ था कि ये वाला बड़ा हो गया है, मतलब अंगूठी बड़ा हो गया, मेरा उंगली छोटा हो गया, मतलब मैं थोड़ा सा दुबला हो गया, वो इससे पता चलता है। सो अभी क्या हो रहा है, थोड़ा सा टाइट करने के लिए इसको डाल दिया है, क्योंकि ये अंगूठी ठीक होने में अभी टाइम लगेगा, लेकिन जो ठीक करेगा वो बंदा अभी यहाँ पे नहीं है, वो मेनलैंड गया है। सो मेरे को बोला है कि नेक्स्ट मंथ में मेरे को देने के लिए, नेक्स्ट मंथ एंड तक, मतलब अगस्त एंड तक, तो अगस्त एंड तक मैं ऐसे ही इसको रख दूँ ऐसा तो नहीं होता, सो इसलिए मैं ये धागा डाल दिया है ताकि थोड़ा सा टाइट बना रहा है। तुम्हारा भाई 200 सब्सक्राइबर कंप्लीट कर चुका है, अभी 200 सब्सक्राइबर मेरे लिए बहुत है। बहुत सारे लोग ऐसे भी बोलोगे कि 200 सब्सक्राइबर से तुम खुश हो रहे हो, लेकिन मैं एक चीज़ बताऊंगा कि मेरे पास 200 सब्सक्राइबर मतलब 200 जन का मेरे पास जितना कदर है बहुत है मेरे लिए, क्योंकि मेरे को पता है ये 200 जन को मैं अगर अच्छे से एंटरटेन कर पाऊंगा, 200 सब्सक्राइबर एक दिन 200 मिलियन सब्सक्राइबर बन जाएगा, मेरे को पता भी नहीं चलेगा। इसीलिए मैं 200 सब्सक्राइबर से ही मैं खुश हूँ और इनको ही मैं एंटरटेन करना चाहता हूँ। फाइनली जब मैं शुरू किया था एक साल पहले मेरा काउंट था 0, आज का डेट में मेरा 200 सब्सक्राइबर है, मतलब मेरे पास बहुत है। एक साल में मैंने बहुत लोगों को मेरी तरफ, हाँ मेरा ब्लॉग देखता है बहुत लोग, और पिछला ब्लॉग से तो बहुत अच्छा ये मिला, रिस्पांस मिला, बहुत लोग रेस्टोरेंट में खाने के लिए गए, मेरे पास लिटरली रेस्टोरेंट से कॉल आया कि आपका ब्लॉग देख के खाने के लिए आ रहा है। देखो भाई ये कोई पेड प्रमोशन वगैरह कुछ नहीं था, मैं और यू वहीं पे खाने जाते थे, तो मेरे को खाना अच्छा लगा, एम्बियंस अच्छा लगा, इसलिए वीडियो बना दिया, मेरे को लगा कि कंटेंट अच्छा है इसलिए कंटेंट डाल दिया, ऐसा नहीं कुछ पेड प्रमोशन वगैरह। अभी 200 सब्सक्राइबर में कौन पेड प्रमोशन देगा, लेकिन एटलीस्ट 200 सब्सक्राइबर को मैं अच्छा सा एंटरटेन तो कर सकता हूँ। बचपन में हम लोग बोलते थे बूस्ट इज द सीक्रेट ऑफ माई एनर्जी, बहुत दिन के बाद बूस्ट पी रहा हूँ, बहुत दिन के नहीं एक्चुअली एक हफ्ता हो गया है ये पी रहा हूँ मैं, अच्छा लगता है, कुछ हेल्थ ड्रिंक पीना चाहिए, लेकिन ये बच्चों जैसा है, यहाँ पे तो अच्छा प्रोटीन शेक मिलता नहीं है, इसलिए ये वाला ही काम चला लेता हूँ। डिनर करने के बाद अभी मैं एडिट पे बैठा हूँ, एडिट ऑलमोस्ट ख़त्म कर चुका हूँ, लेकिन फ़िलहाल अभी नेट नहीं है, सो नेट कब तक आएगा ये लेके ही प्रॉब्लम है, क्योंकि अभी मैं देख रहा हूँ फ़िलहाल BSNL का जो नेटवर्क मैं यूज़ करता हूँ वाईफाई, वो एक्चुअली बहुत प्रॉब्लम कर रहा है, प्रॉब्लम मतलब ख़तरनाक प्रॉब्लम, उससे अच्छा मेरा घर का जो नॉर्मल जो फ़ोन में जियो यूज़ करता हूँ वो अच्छा है। सो अभी जब तक नेट नहीं आएगा तब तक मैं एडिट करके इसको नॉर्मली रखूँगा, कल सुबह मैं देखूँगा, अगर आज रात को नेट आ जाता तो इसमें म्यूज़िक वगैरह डाल के मैं आज रात तक इसको रिलीज़ कर दूंगा, नहीं होता है तो कल सुबह तक मैं ये वीडियो को रिलीज़ कर दूंगा। अगर यहाँ तक ब्लॉग आप लोगों को अच्छा लगता है तो ब्लॉग को लाइक करो, शेयर करो एंड सब्सक्राइब करो, एंड फाइनली हम लोगों ने 200 सब्सक्राइबर कंप्लीट कर चुके हैं, तो सरप्राइज़ तो अभी बहुत सारा बाकी है।